नमस्कार, मेरा देश मेरा प्रदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए ये खबर। इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है टांडा थाना अंतर्गत ग्राम खरवाली से। जी हां, थाना टांडा के अंतर्गत खरवाली में एक दिल दहलाने की वारदात हुई है। टांडा थाना के थाना प्रभारी राजू मकवाना ने बताया कि रख सिंह जहर सिंह भील, सुकराम कल्लू भील व डमरू करम सिंह जा रहे थे, तभी उनका झगड़ा सुरेश से हो गया, जिसमें नवीन ने झगड़ा करने से रोका तो आरोपी रख सिंह जहर सिंह भील ने नवीन के ऊपर तीर से वार कर दिया, जिसे टांडा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से इसे सरदारपुर रेफर किया गया तथा सरदारपुर स्वास्थ्य केंद्र से इसे बोझ हॉस्पिटल धार भेजा गया, जहां डॉक्टर ने इसे मृत घोषित कर दिया। पूरा मामला टांडा थाना अंतर्गत ग्राम खरवाली का है। चैन सिंह पिता मांगीलाल सोलंकी ग्राम खरवाली के द्वारा टांडा थाने में शिकायत दर्ज की गई। पुलिस ने मामला पंजीबद्ध करके आरोपी को पकड़ने की बात की है। इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। टांडा से नरेंद्र सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। क्या कुछ घटना हुई? ये कल करीब 6:30 बजे ग्राम खरवाली में ग्राम गातला के रख सिंह, सुखराम और डमरू नाम के व्यक्ति हैं, आरोपी हैं, जो वहाँ पे एक सुरेश नाम का व्यक्ति रोड से जा रहा था, जिसके साथ में झगड़ा कर रहे थे, जिस पर से मृतक नवीन व उसके साथियों ने उसे मना किया, इसके साथ क्यों झगड़ा कर रहे हैं इस बात पे। ये पहले तो वहाँ से चले गए, बाद में करीब 7:30 बजे आए और तुम लोगों ने क्यों मना किया बोले झगड़ा करने से। इस बात को लेके रख सिंह ने अपने हाथ में ली तीर कांठी से तीर चलाया, जिससे नवीन नाम का व्यक्ति है जो घायल हो गया, जिसको उपचार के लिए यहाँ अस्पताल टांडा लाए थे। यहाँ से रेफर करने पे जिला अस्पताल धार ले गए थे, जहाँ पे इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। सर, आरोपी स्पेस फरियादी चैन सिंह की रिपोर्ट पे अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गए हैं। आरोपी अभी गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं, जल्दी उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएंगे।